हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम सुमित हंसारन हियर। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ जो आपको और हमें सोचने पे मजबूर करती है। बॉस, एक छोटा सा टॉपिक है कि हमारे समाज में शराबी लोग हो रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नशा फैल रहा है। तो नशेड़ी को आप कितना भी समझाओ, वो मानेगा नहीं, और वो इस तरीके से अपने इस चीज़ को डिफेंड करेगा कि वो उसके लिए काम बहुत अच्छा है। ये शराबी से कहो तो शराब छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा, है ना। उससे कहो तो शराब छोड़ दे, वो कहेगा क्यों शराब छोड़ दो, इससे बहुत फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे गिनाएगा आपको। सपोज़ दैट किसी ने उससे पूछा तू शराब क्यों पी, तूने शराब, तो शराबी उत्तर देगा कि खुदा तूने बनाई क्यों। खुदा अगर मुझसे पूछेगा, शराबी उत्तर दे रहा है, खुदा अगर मुझसे पूछेगा तूने शराब क्यों पी, तो शराबी उत्तर देगा कि तूने बनाई क्यों। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू है, मैं सीरियस मोड में आता हूँ। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज में। नशा जो है वो पूरी तरह से समाज को खाए जा रहा है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं। अब सवाल ये है कि नशे को कैसे छोड़ा जाए। लोग कहते हैं बहुत बुरी लत लग जाती है तम्बाकू की, सिगरेट की, शराब की। एक बार आदमी सोच ले ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो कर देगा। ओम प्रकाश जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई, नमस्कार। अगर आदमी कुछ भी सोच लेना कि मुझे ये काम करना है, तो वो कर लेता है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि स्लोली स्लोली वो आदत चली जाए, लेकिन जाती ज़रूर है। सपोज दैट मैं आज से 2 महीने पहले 80+ वेट हुआ करता था मेरा। अब 80+ मेरा वेट, मैं 80+ वेट के साथ कैसे जीता, जीने में चढ़ता था, मेरे घुटने दर्द करते थे, एड़ियों में दर्द होता था, चलते फिरते मैं हाँफ जाता था। दोस्तों, बहुत बड़ा इशू था मेरे सामने कि मैं अपने आप को कैसे पतला करूं। और दोस्तों, पता है दुनिया में सबसे कठिन जो काम है वो है मोटा होने के बाद पतला होना। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? सबसे जो कठिन काम है वो यही है कि एक बार आदमी मोटा तो हो जाता है, फिर पतला होने के लिए बहुत टाइम उसको लगता है। दौड़ना पड़ता है, ट्रेडिंग व्हील पे चलना पड़ता है, साइकिलिंग करनी पड़ती है, बट बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं 70+ पे आ गया, 80+ से 70+। इतना आत्मविश्वास था मेरे अंदर, मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना वेट कम करना है। जब मैंने अपना वेट कम कर लिया, ये तो एक वेट कम करने की बात हुई। आज का समाज में इशू फैला हुआ है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। सीरियस टॉपिक, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ, और मेरे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पापा 8वीं पास, मम्मी थम्सअप। चैलेंज था मेरे सामने कि हाउ कैन बी लर्न इंग्लिश। आई डिटरमाइंड फर्स्ट इन माई हार्ट, मैंने पहले अंदर पढ़ किया, निश्चय किया कि मैं इंग्लिश सीख के मानूंगा। मैंने उसका तरीके सोचे कि कैसे कैसे इंग्लिश सीखूं। लोगों से मैंने एडवाइस ली कि मैं कैसे इंग्लिश सीखूं, तो लोगों ने मुझे सम्माननीय लोग थे, ऑनरेबल पर्सन्स, एडवाइस मी टू सी इंग्लिश क्रिकेट कमेंट्री, टू वॉच इंग्लिश मूवी, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये बहुत सारे एडवाइस दिए। बट मेरे अंदर के मन ने कहा कि इंग्लिश के चक्कर में आप थोड़ा सा मैड हो जाओ। मैड नहीं, मैं वो वाला मैड नहीं,
इंग्लिश सोचो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में वॉक करो, इंग्लिश में टॉक करो और इंग्लिश में गाने सुनो. एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश, देन यू कैन बी परफेक्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश. मैंने सोच लिया, हर दिन उठता था 5 सेंटेंस लिखे, आफ्टर राइटिंग 5 सेंटेंसेस आई यूजली स्पोक इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल हु आर सराउंड्स मी. आई क्रिएटेड द क्रिएटिव जूसेस इन माई सेल्फ अबाउट इंग्लिश. आई बिकम क्रेजी अबाउट इंग्लिश. इस तरीके से मैंने स्लोली स्लोली आई कैन स्पीक इंग्लिश राइट नाउ इन फ्लो. आई हैव नो हेजिटेशन. तो दोस्तों, इशू ये था कि हम अपनी आदतों को कैसे छोड़ें और कैसे डिटरमाइन करें अपने आप को कोई काम करने के लिए. तो ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो आप कर सकते हो. जैसे अभी मैं घूम रहा हूँ, बिल्कुल स्टाइल से देखो क्या सीन है. व्हाट अ सीन अराउंड्स मी. आई कैन स्पीक इंग्लिश हियर. Nobody is watching me, nobody is hearing me. Only I can walk, I can talk, and I can be everything here. इस तरीके से शराब छोड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं. डिसाइड कर लो कि मैंने एक दिन एक पैग लेना है, अगले दिन आधा, उसके अगले दिन थोड़ा आधा. At last, you can leave the bad habits. नो प्रॉब्लम. आप डिसाइड कर लो बस और उसके प्रति क्रेजी हो जाओ. जस्ट बी क्रेजी अबाउट दैट व्हाट यू वांट टू डू. लिसन, आई एम हियर वॉकिंग अलोन, नोबडी इज अराउंड मी, बट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग विद मी. दिस इज द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश. एंड शराबियों के लिए ऐसे ही वो घूम सकते हैं, अच्छे गाने सुन सकते हैं. सर, आपकी जगह पहले आप कोल्ड ड्रिंक पीना सीखो, दूध पीना सीखो, मट्ठा पीना सीखो, उसके बाद सेपरेट आप आ जाओ. एक मोटी सी फैक्ट बता रहा हूँ, शराब का एक पैग लगभग आपको 30-40 रुपीज़ का पड़ता है. सर, आपकी एक बोतल 500-600 से लेके बहुत महंगी होती है. दूध इतना 40-50 रुपये लीटर मिलता है, आप क्यों नहीं खरीदते हो उसको? उसको पी के देखो, आपकी बॉडी स्टोडी फिट हो जाएगी लाइक मी. अब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे गप मार रहा है, फिट है ही नहीं. दोस्तों, आज मैं एक डीपी शेयर करूँगा, एक पिक्चर शेयर करूँगा आपके लिए. आप देखना कि हाउ लुक्स आई एम फिट, मैं कैसे दिखता हूँ. आपको दिखाऊंगा कि मैं पहले कैसे था, आज मैं कैसा हूँ. सो दोस्तों, एट लास्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टॉपिक वाइन में वाइन टेकर, शराब कैसे छोड़ी जाए, कैसे कोई काम अच्छा आप कर सकते हो, इसमें टॉपिक मैं बात कर रहा था. एट लास्ट मैं एक बात और कहना चाहूँगा, व्हाट डू थिंक यू बिकम. जैसा आपका दिमाग सोचता है ना, वैसा आप करते हो. कोई काम करने के लिए आपको उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, विद द बॉटम ऑफ हार्ट, विद द सोल ऑफ विद द सोल. आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, दैट्स माई बिलीफ. बट आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी खोना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हाउ कैन आई गेट सक्सेस, हाउ कैन आई गेट बेटर रिजल्ट. आपको सफलता मिलेगी. पुष्पा में तुमने डायलॉग सुना होगा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला. दोस्तों, ये डायलॉग आपके अंदर भी होना चाहिए. शराबी सुन के बेबड़ा समझी क्या? शराबी नहीं, अपने काम का शराबी है, झुकेगा नहीं सारा, काम करके मानेगा. शराबी बनो, नशेड़ी बनो अपने काम के प्रति. जस्ट बी हैबिटेंट अबाउट योर वर्क, जस्ट बी क्रेजी अबाउट योर वर्क, व्हाट यू डू राइट नाउ. दोस्त, इस तरीके से आप सफलता पा सकते हो. अगर आपको ये मेरा लाइव वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स थोड़ा सा कर दीजिए.
करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने थोड़ा सा देखा, मुझे देखा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं एक समाज में एक चेतना जगाने का काम कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मेरा ऐसे भी मोटिव नहीं है मैं फेमस होना चाहता हूँ, नो, मैं ये शो करना चाहता हूँ कि समाज में मेरी बातों से शायद कुछ चेंजेस आ जाए। अच्छी बात है कि मेरा समाज बदलेगा, मेरा भारत बदलेगा, मैं तो बदल ही रहा हूँ। एक आदमी ऐसी सोच रख ले तो उम्मीद है कि एक आदमी के जो आइडियाज़ हैं 0.11% तो इंसर्ट करी जाते हैं दूसरे में। ये मेरा सोच है। आगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ लाइव वीडियो में फिर आऊँगा। आप लोग वैसे ही प्यार, लव, अफेक्शन दे दो थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मुझे देखा सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। आगे हम फिर हाजिर होंगे नई फिटनेस वीडियो के साथ, नए मोटिव वीडियो के साथ, नए इमोशनल वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। आपसे फिर हम मिलते हैं, इसके लिए गुड बाय, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, लव यू बॉट द मोर ऑफ हार्ट। आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, आई होप दैट यू विल चेंज श्योरली। थैंक यू वेरी मच।